हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जमाईसा आ गए और हमारे घर में आके वो बना रहे हैं आज पतौड़। पतौड़ के जो पत्ते थे हमने धो के अच्छे से, हमने नहीं, इन्होंने ही धो के अच्छे से वॉश करके यहाँ पर रखे और उस साइड पे बन रहा है बेसन का जो बैटर। हाँ, और उसमें जो जो चीजें डाली वो ये बताएंगे, बताना। पहले हैंड वॉश कर लूँ अच्छे से। तो बेसन तैयार करने के लिए हमने इसमें डाला है सबसे पहले काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च काट करके, और उसके बाद हींग डाली इसमें, कसूरी मेथी, अजवाइन, और डाला है सरसों का तेल। इसमें ऐसे तो मक्की का आटा भी ऐड कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर मक्की का आटा नहीं है, तो हमने सिर्फ बेसन ही इसमें ऐड किया है। और इसमें पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुछ एक चीज़ मिक्स लगता है इसमें रहने डालने के लिए, अब मेरे को याद नहीं आ रहा। इसमें पानी डाल देंगे, पानी मम्मी से पूछता हूँ, ये बात भी सही है। ये पूरा मेथड ना सेम वैसा था जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए सब चीज़ें नहीं डालते, तो वैसा ही सेम टू सेम था। और हम पानी डाल के उसको पतला करे थे, इतना पतला नहीं करना, थिक थिक रखेंगे उसको। लेकिन अपने हाथों से इसको मिक्स करिए आराम से और देखिए इसका कैसा टेक्स्चर बनता है। मुझे जितना पता है मैं उतना आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ। बस अब इसमें और पानी नहीं डालेंगे, बस हो गया, हो गया ना। इसमें ना ऐसे हम लोग प्याज भी डाल सकते हैं, काट के बारीक बारीक काटू क्या, रहने दो। ठीक है अंजल, आपको नहीं आते ना बनाने? मम्मा को आते हैं, मेरे को नहीं आते। मेरे को नहीं आते ना? नहीं, ये बन गया ना बेसन हमारा। मुझे इतना पता है कि ऐसे रख के इसके ऊपर ऊपर बेसन लगा के और पत्ते रखते रहते हैं। इतना करना है, मेरे को ना इसके डंडी है ना ऐसे काट काट के, ज्यादा तो है नहीं ऐसे डंडी इसकी, बस ऐसे थोड़ी सी काट देनी है ऊपर से ना हल्के से। इससे क्या होगा? नहीं तो ये ना दूसरे वाले पत्ते को ऊपर से फाड़ देता है, ऐसे ही कटी हुई है ना ऐसे, ये साफ है ना। ठीक है, थोड़ी सी काट देता हूँ, बस ज्यादा तो है नहीं ऐसे, बस ऐसे ही है। ओके, और जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना वो अलग रख देने, क्योंकि बड़ा पत्ता हम नीचे लगाएंगे इसका बेस बनाने के लिए। ऊपर छोटे छोटे, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब ऊपर कोई भी डाल सकते, ये बड़ा पत्ता अलग रख लेना हमने ना, जी बाद में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहला पतौड़ का पत्ता लिया जो कि हम बेस के लिए तैयार करें, वो सबसे बड़ा वाला लेते हैं, और उसके ऊपर इन्होंने हल्दी लगानी शुरू कर दी। सॉरी, हल्दी नहीं, बेसन, मतलब जो इन्होंने बनाया, तो वो पूरा लगा रहे हैं। और ये ऐसे लगा रहे हैं जैसे फेस पे हम बेसन नहीं लगाते वैसे, उसको पूरा गोरा चिट्टा कर देंगे, उसका एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे, हर तरफ से उसको अच्छे से लगाएंगे। तो पहले एक पत्ता लगाया था, उसके ऊपर बेसन लगाया, अब उसके ऊपर दूसरा पत्ता जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है ना, फिर इसके ऊपर जो थर्ड लगाएंगे वो उससे ऑपोजिट होगा, मतलब ये उल्टा सीधा लगाना है। हाँ, ये चीज़ ना मेरी पता नहीं नानी माँ ने सिखाई या मम्मा ने बनाए थे ना एक बार, तब मैंने सीखे थे। हाँ, इतना इतना याद है, बट अब भी ये भूल गई थी मैं कि उल्टा लगाते इसको। जो गांव में होते हैं ना लोग, उनको पता क्या होता है मेन चीज, इसको साग और पतेड़ बनाने आते हैं ना, उसको सब कुछ आता है। आपके उधर आम पापड़ बनते हैं? नहीं, जो मेरे नानी का घर है ना जहाँ पे, वहाँ पे आम पापड़ बनते हैं, और हम वहाँ से आम पापड़ लेके भी आए थे, वो मीठे भी और जो काले। ठीक है, ठीक है, मिल बांट के काम करने का मजा ही लग गया। जैसे मैं कर रही थी पतोड़ के, इन्होंने बताया ना पत्तों को ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा काटना, तो मैं वो चीज़ें कर रही थी और ये बना रहे थे पतोड़। तो बाद में इन्होंने मेरे को भी सिखाया कि कैसे करते हैं, तो अगली बार में मैं भी ट्राई कर रही थी। उतनी देर में हमारी मम्मा भी उठ चुके थे क्योंकि वो कर रहे थे रेस्ट, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया था, हम दोनों ही काफ़ी वैसे तो। तो फिर जब मम्मा उठते, मम्मा भी हमारी हेल्प करने लग पड़े। ऐसे एक फोल्ड कर लिया, ठीक है, और फिर इसको दूसरा फोल्ड ऐसे, ठीक है, और फिर से बेसन लगाना ना पूरा। इसकी जो स्टफिंग है ना पूरी बेसन के साथ होती है, तभी इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। हाँ, बहुत अच्छा, जब पक जाता है ना तब आता है इसका टेस्ट अच्छा। हर किसी का, जैसे हम हल्दी लगाते हैं नए नए दूल्हे या दुल्हन को, तो अलग अलग स्टाइल होता है हर किसी का फेस पे लगाने का, वैसे ही ना इनका और मेरा अलग अलग स्टाइल था पतोड़ बनाने का। पहले इन्होंने बनाए अपने तरीके से, फिर जब इन्होंने बोला ना कि मैंने बेसन का वैसा बनाया पतला सा बैटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने ही बना के मुझे दिया था और व्लॉग में ऐसा बोला जैसे कि मैंने बनाया नहीं, बट मुझे वैसे थोड़े से आते थे क्योंकि मम्मा के साथ मैंने पहले बनाए हुए थे ना, तो जब मैं बना रही थी ना तो मुझे पूरा वैसा मज़ा आ रहा था एकदम, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एकदम हिमाचलियन बन चुकी और मैं वैसे ही काम करी थी। हमने ना बैटर दोबारा बनाया और आंटी ने इसमें ज्यादा पानी डाल दिया। ये क्या किया तूने? हाँ, इतना पानी कौन डालता है इसमें? और देखिए कैसे पकोड़े पकोड़े से बन गया। प्याज डाल दी इसमें, मिर्च भी डाल दिया, इस बार हमने इसमें प्याज भी ऐड किया है। ये तीन हमारे बन के तैयार है और इसमें हमने अगले वाले में प्याज भी डाल दिया है, अब ये आंचल बनाएगी। क्या हुआ, पहाड़ी गाना सुनाओ? क्यों, पहाड़ों की आइटम है ना। हाँ, पतरोड़ू पहाड़ में, इसको पतरोड़ू बोलते हैं हमारे वहाँ पे,
पतेहड़ बोलते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं? पतेहड़ यहाँ पे बोलते हैं। पतेहड़ बोलते हैं। हमारे पतेहड़ बोलते हैं। पतेहड़। पतोड़ बोलते हैं। आपको पतोड़ बोलते हैं? पहाड़ में बोलते हैं पतरोड़ू। चलिए। कहाँ चलेगी? वाह अंजल तुमने तो बड़े अच्छे बनाया। काबिले तारीफ। गुड गर्ल सीख गई एक दिन में है ना। ये हमने तीन पतेहड़ बना करके इसमें कुकर में डाल दिया, इसको स्टीम लगवाने के लिए, और बाकी की तैयार हो रही है तो उसको अगले राउंड में रखेंगे। तो पहले इतनी से बना लेते हैं क्योंकि खाने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मम्मा को भी भूख लगी है। और आज खाएंगे आंचल और जवाई राय के हाथ की पतेहड़। वाह कंपटीशन है क्योंकि मेरे में प्याज भी डाले हैं ना। मसाला तो रेसिपी सारी मेरी है ना, कुछ भी कर ले। और मेन आइटम भी मेरी है। ये बात है। ये अच्छा बनाया आंचल तूने, बहुत अच्छा बना। चल कर दे फोल्ड इसको। ये दो आंचल ने बनाए हैं और ये वाला अमरूद ना मम्मी ने स्पेशल कुड़मनी जी के लिए भेजा था। कहते कुड़मनी को देना मेरी तरफ से। कुड़मनी काट के खुद भी खा रही है और कुड़मन को कुड़म को भी कुड़म जी को भी खिला रहे हैं। मम्मी आपको क्या लगा कि ये हमने शहर से लेके आए दुकान से? हाँ जी हाँ जी पिछली बार नहीं, अब लगते पिछली बार लगे थे। जितने दिन मैं वहां थी ना तब मेरे को मिलते ही नहीं थे। पता क्या उस टाइम थी गर्मियों का मौसम थोड़ा और बरसात अभी शुरू हुई थी। अब पक गए, अब इसके बाद जो पकेंगे ना उसमें कीड़े पड़ेंगे, ज्यादा पक जाएंगे वो बरसात में। और ये आंचल ने बनाई है पतेड़, देखते किसकी ज्यादा टेस्टी होती है। बस बंद कर दो, सीटी ज्यादा आ गई। ये इसको इसमें रहने दो, तीन आ गई मम्मी, ये निकालना मत, सीटी ऐसे रहने देना ठीक है। इसको हमने पका लिया और इसको दो से तीन सीटी लगवानी होती है। ये पत्ते थोड़े छोटे थे ना तो ये दो सीटियों में हो जाते हैं। दो सीटी लगवा करके, दो सीटियां इसको लगवा करके जो तीसरी सीटी होगी ना उसको मतलब अंदर ही रहने देना है, खोला नहीं कुकर। जब सीटी की गैस खत्म हो जाएगी ना अच्छे से तब इसको निकालना है और इसको बाहर रख करके थोड़ी देर ठंडे होने देना है। फिर फ्रिज में रख के इसको हम किसी भी टाइम पे निकाल करके तड़क सकते हैं या फिर फ्राई करके खा सकते हैं। तो अभी अगले पतेहड़ हम डाल देते हैं इसमें, आ जाएंगे ना मैं इसमें तीनों। इसको हवा में रख देते हैं ना उधर टेबल के ऊपर। कितनी सीटी लगवाई थी आपने इसको? तीन सीटी आपने बताया था वीडियो में। ओके तो हमने इसको तीन सीटी लगवा के निकाल लिया था, कुछ टाइम इसको ठंडा होने दिया था। कच्ची अच्छी लगती है, कच्ची खा रहे हैं लेकिन गले को थोड़ी थोड़ी लग रही है। अभी पत्ते पकेंगे ना अच्छे से तो क्यों खा रहे, बाद में गले में दर्द होगी मुझे लगा क्योंकि उन्होंने मेरे को थोड़ी सी बाइट दी ना। चलो करते हैं। आप भी ना ऐसे किसी पैन में थोड़ा सा, हाँ जी थोड़ा मोटा कटा मैं काट देना। ओके तो हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कर सकते हैं मामा डीप फ्राई कि नहीं? डीप फ्राई ऐसे अच्छा लगता। तो आप लोग कमेंट करना कि डीप फ्राई कर सकते हैं कि नहीं। हम लोगों ने ऐसे पहले भी बनाया, थोड़ा सा ऑड करोगे इसको? पतोड़। मम्मी को लग रहा है कि इस बार ना ज्यादा हमने वो नहीं लगाया इसके ऊपर, ऑयलिंग नहीं की इसकी अच्छे से, है ना इस वजह से हो रहा है। मत कर मत कर। पता क्या और मिर्ची भी नहीं डाली थी तो देखो हमारे भाई को शौक चढ़ा। चल कर ले। अच्छा इसमें मिर्ची भी नहीं डाली? ध्यान उसको छेड़ा जो मैंने किया अभी। मिर्ची नहीं डाली वो दूसरे डाली हुई बिल्कुल भी आपने? हाँ आपने इसके साथ साथ में ही क्योंकि मैंने फुल पे रखा हुआ है ना और मैं इसको साथ साथ में इसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, कभी इसको पलटा रही हूँ। बार बार आ गई। और आज है ट्यूसडे, भाई होके आया मंदिर से जैसे वो हमेशा जाता है। कैसे बने हैं? बहुत अच्छे बने। कैसे बने हैं? बढ़िया बने गुड मॉर्निंग गाइस। ऊपर मम्मा ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं और मैं बताऊं तो मैंने अभी फटाफट से पूरी किचन अपनी क्लीन की है। कुछ मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको पहले दिखा दूं क्योंकि थोड़े ही टाइम में ये फिर से मैसी हो जाएगी, लेकिन अभी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरी चीज़ बताऊं, मम्मा ने अपने किचन के लिए ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे लगाएंगे उसको, यहाँ पे मैंने सोचा इस साइड पे लगाएंगे, लेकिन वो बहुत प्यारा लगेगा, कुछ ही दिनों में आने वाला है।
तो वो भी मैं आपके साथ शेयर, लिंक भी उसका भेजूंगी। वो बहुत ही प्यारा है, वुडन का है, ब्रिक एंड ब्राउन का है शायद। मैं आपको मतलब बताऊंगी जब वो आ जाएगा, क्योंकि उसको पहले तो जोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, तो वो बाद में करेंगे। लेकिन आज कितनी अच्छी किचन लग रही है ना, और मैंने ना जो चॉपिंग पॉड है ना वो यहाँ पे रखा, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार मैं इस पे ऊपर चॉपिंग कर लेती हूँ, और अभी भी थोड़ी देर में करने वाली हूँ। मेरे को आज बनानी है पनीर की सब्जी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं चले गई वॉशरूम क्लीन करने, क्योंकि मुझे आज नहाना ही था। और ये चीज़ आपको, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जिस दिन भी हम वॉशरूम क्लीन करते हैं उस दिन अपना हेयर वॉश जरूरी होता है। तो फिर मुझे पता ही था कि आज मुझे हेयर वॉश करना, तो मैंने अपना पूरा बाथरूम क्लीन किया। और उसके बाद अभी मुझे पापा के लिए और अपने लिए चाय बनानी, क्योंकि पापा अभी अभी ऑफिस है, फिर चले जाएंगे। और बाहर वहाँ पे ना जो बनने पे बनना होता है ना, वहाँ पे क्रो बैठा हुआ है और कह कह कर रहा है। मतलब हम हमारे ना ये भी बोलते हैं, अगर कौवा बैठा है ना तो हमारे घर में गेस्ट आएंगे। अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो तो वो है ये इयररिंग्स। अब यार मम्मी ने इतने प्यार से बनवाए हैं तो डालने तो बनते ही हैं। मुझे ना ये इसका डिज़ाइन ही इतना अच्छा लगा ना, देखा मेरी आ गई ना पालतू मक्खी, चल इसको छोड़। ये मुझे डिज़ाइन इतना अच्छा लगता है ना कि मन ही नहीं करता, मैं यार मन ही नहीं करता कि मैं इनको उतारूं। मतलब रात को तो उतारती, क्योंकि मुझे डर भी लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए। वैसे तो होता ही है ना फीलिंग, क्योंकि अभी नए नए मिले हैं। लेकिन मुझे मम्मा ने बोला तू आराम से डाल इसको जब मर्जी। तो मुझे ना पता नहीं क्यों एक ऐसी एक्साइटमेंट होती है ना इसको डाल के, बहुत खुशी सी होती है। आप लोग देखो तो ये कितने सुंदर लगते। और फिर से थैंक यू मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे लगे। और मुझे ना वैसे भी गोल्ड बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ना एक ही डर रहता है कि टूट ना जाए, क्योंकि जो मेरे ना सेट है ना गोल्ड सेट, उसमें से दो के इयररिंग्स का टांका टूट गया थोड़ा थोड़ा, तो मुझे वो भी ठीक करवाने हैं। तो इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि फिर तो मैं डाल भी नहीं पाऊंगी ना जिस टाइम पर डालने होंगे। लेकिन ये मैं थोड़ा डालूंगी, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, थैंक यू मम्मा। और मुझे आज क्या बात करनी थी यार, हाँ एक चीज़ और बताना। वैसे तो हमने इन मक्खियों का इतना इलाज किया है ना, ये यहाँ से जाती ही नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी इसका नुस्खा है ना, तो प्लीज़ बताना कमेंट करके, क्योंकि ये सच्ची में बहुत तंग करती हैं। हम इतना इनको निकालते रहते हैं ना, बहुत सारे इसके ऊपर हमने मतलब कहते हैं कि आइडियाज़ इस्तेमाल किए, लेकिन ये नहीं जाती। चाय कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि मैं अंदर देख के आई हूँ, पापा सो रहे हैं, तो मैं बस अपने लिए फिर अमरूद काटने वाली हूँ। तो चलो फ्रूट ही खाते हैं। सबसे बड़ा गिलास पीयूष के लिए, उससे छोटा विकास के लिए, उससे छोटा मेरे लिए। यहाँ पे ना आज मम्मा ने जो घर का पनीर बनाया है ना, ये वो है, और बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो इसकी ना मम्मा भी उठ गई। वैसे तो आज मम्मा की तबीयत खराब थी, तो मैंने मम्मा को तंग नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मम्मा ही उठे हैं। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज किचन की ड्यूटी मेरी, अगर कोई भी खाना मांगता है कुछ भी, तो वो मैं करूँगी, मम्मा आराम से रेस्ट करेंगी। तो मम्मा ने ये सुबह सुबह ही पनीर बना के निकाल के रख दिया था, तो ये फ्रिज में लगा हुआ था, टाइट हो गया एकदम से। तो या तो इसको पीसेस में मैं बनाऊंगी, तो यहाँ पर इसकी भुर्जी निकाल के बनाऊंगी। तो उसके लिए कुछ प्याज टमाटर इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्याज बड़ा और दो हरी मिर्च, बहुत है। मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मैं सिंपल सी सब्जी बनाने लगी, क्योंकि हमें सिंपल ही पसंद है। मम्मी ने रखी अपने लिए चाय, और इस तरफ मैं बनाने लगी सब्जी। सब्जी बनाने से पहले मुझे थोड़ा सा तेल डालना पड़ेगा। एक प्याज डालने वाली थी, बट मम्मा ने बोला खुली सब्जी बना, मतलब कि प्याज ज़्यादा डाल। तो फिर मैंने दो प्याज डाले, तेल भी मम्मा ने डलवाया कि डाल मज़े से बना। यही होती पंजाबी की खासियत, खुला खाना खुला पीना। और उधर मेरे पापा के लिए चाय बन रही है। सब्जी मेरी बन के रेडी है, लेकिन जो इसमें कमी है वो है थोड़ी सी मलाई की। मलाई से ना ये थोड़ा क्रीमी टच देती है, मतलब क्रीमी सा टेस्ट देती है। तो मुझे इसमें थोड़ी सी मलाई डालनी है, और इसके बाद इसको गैस को हम कर देंगे बंद, और हमारी सब्जी बन के हो जाएगी रेडी।
इसके बाद मैं और मम्मा दोनों हम कपड़े तय लगा रहे थे। इसमें से जो गीले कपड़े थे वो हमने अलग रख दिए थे, फिर वो दूसरे रूम में हमने सुखाने के लिए डाल दिए थे पंखा लगा, क्योंकि आपको पता ही मौसम कैसा हो चुका है। और उसके बाद जो कपड़े प्रेस वाले थे वो हमने अलग से रख दिए थे। प्रेस करने वाले कपड़े हम बाहर भेज देते हैं, खासकर उसमें पापा की शर्ट्स, मम्मा के सूट्स और पापा की पैंट होती है, अच्छे से प्रेस हो जाते हैं ना, क्योंकि मम्मा से इतना भी नहीं होता, मम्मा को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने सारी बेडशीट्स वगैरह ठीक की दोनों रूम की, और साथ में डस्टिंग की, और पोछा भी लगाया। पोछा इसलिए लगाया क्योंकि बहुत ना मिट्टी वाले पैर आते हैं, भाई भी थोड़ा सा क्लारा डाल देते हैं, तो वो चीज़ें अगर भाई या मतलब बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मम्मा का ये काम शुरू से ही है, मम्मा हमेशा डस्टिंग वगैरह करती ही रहती थी, सुबह को अलग होती थी, शाम को अलग होती थी। तो ये चीज़ वैसे भी एक हैबिट की तरह अपनानी चाहिए लाइफ में, तभी घर भी साफ रहता है। और सारा काम करने के बाद मम्मा की अचानक से तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे ऐसा लगा कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उनके पीठ में दर्द हो रही थी। जैसे अंदर मम्मा की तबीयत ख़राब थी, वैसे मुझे बाहर का मौसम भी ख़राब लग रहा था। गुड इवनिंग गाइस, मुझे ना इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना था, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, जैसे कि इस वीडियो में ये भी आए हैं। तो आप लोग ये ना सोचते रहो कि वो यहीं पे रह गए और हमने पिछली वीडियो में ऐसा दिखाया कि वो चले गए, नहीं वो चले गए थे, लेकिन मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़ी थी पिछली वीडियो की जो हमने पतोड़ बनाए थे। अब वो भी सोचिए, मैंने तब पहले ये वीडियो इसलिए नहीं डाली कि मुझे ये था कि कुछ कमेंट्स ऐसे आएंगे कि अभी भी यहीं पे बैठे हैं, लेकिन कुछ हमारी वीडियोस ऐसी बनती, किसी ने पहले कमेंट किया था ये पहले, जब ये पहले रही थी यहाँ पे, कि यहाँ पे होते हैं हम 3-4 वीडियोस एक दिन में ही बना लेते हैं और वो हम डालते रहते हैं, और सबको लगता है कि ये हफ्ता हफ्ता रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रहते ही नहीं, इनको तब तक टिड्डू की याद आ जाती है और ये चले जाते हैं। तो मैक्सिमम 3 डेज, उससे भी ज़्यादा 4 डेज, इससे ज़्यादा नहीं रहे। और मुझे लगता है इतने दिन में मेरी फैमिली को कोई भी इनसे प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे फैमिली के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। और बस मुझे इतनी सी चीज़ क्लियर करनी थी कि ये यहाँ पे नहीं है और ये चले गए हैं। इस वीडियो में मैंने बस इनकी कुछ क्लिप्स ली हैं जिसमें हमने पतोड़ बनाया, और आप लोग बताना कि पतोड़ आपको कैसे लगे। थोड़े हमारे जो पतोड़ बनाए ना, उस वो गले में लग रहे थे, और मैंने इस वीडियो में 2 चीज़ें ऐड की, एक तो उस दिन की क्लिप और एक आज जो हमने थोड़ा बहुत काम किया। और काम भी ऐसा कि मम्मा की तबीयत पूरे दिन से ख़राब थी, लेकिन बोलते ना मम्मा कभी भी ऐसे बोलते नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं काम कर सकती, ऐसा कुछ। तो बस वो लगे रहे, और रात की खाने की भी तैयारी उन्होंने की, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सब्जी बनाई और दोपहर का दिखा, रात को मम्मा ने ही चपातियाँ बनाई और बोलते मैं ठीक हूँ। लेकिन अब जाके उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एक्चुअली उनको हुआ क्या, उनको ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे तो ऐसे लगा, क्योंकि उनकी जो बैक है ना वो दर्द हो रही थी। तो अभी डॉक्टर से मेडिसिन लेके आए हैं, देखो कब तक ठीक होते हैं। अब मैं जाके उनको गर्म पानी दूंगी साथ में जवैन, और देखते हैं कब तक ठीक होते हैं। बाकी साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अगर आप लोग हिमाचल साइड से हो तो प्लीज़ अपने आप को मतलब सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये बरसात का मौसम, मुझे जितनी भी न्यूज़ सुनने में ना बहुत ही गंदा हो रहा है बहुत पहाड़ों में, तो डर भी लग रहा है। और आप लोग अगर पहाड़ों से हो, हिमाचल से हो, शिमला से हो, मनाली से हो, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और बाकी तो आप लोग वहीं से हो, आप लोगों को पता है, लेकिन प्लीज़ अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिए और पानी के पास मत जाइए। बाकी मुझे यही है कि भगवान जी सब पे कृपा बनाए रखे और ये जो बरसात के मौसम है जल्दी से जल्दी निकल जाए। देखिए बाकी बम बम बोले।